क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ये दो पैरेलल लाइंस है एल एंड एम, और इनको दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू। इसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है इनको हम मान लेते हैं ए बी सी डी, और अब हम ए को सी से मिला देते हैं। अब इसमें आगे पूछ रहा है शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो उस तरह से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। एंगल डी ए सी और एंगल बी सी ए ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी तरीके से ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो उस तरह से ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स में ए सी कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये कॉमन है। देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल्स की एंगल साइड एंगल आपस में बराबर है, तो उस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय एंगल साइड एंगल रूल। यही हमको प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर हो जाएगा।